सब्सक्राइब कीजिए स्वाद दिल्ली बाय मेहराब को और बेल आइकन दबाइए। आज की हमारी खास रेसिपी है चिकन स्टू, तो चलिए सीखते हैं इसे बनाना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंपल और इजी कुकिंग। बहुत कम टाइम होता है जब भी आपके पास और आप चाहें कुछ अच्छा बनाना, तब ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लिया है मैंने 1 किलो के करीब चिकन, बहुत अच्छी तरीके से वॉश मैंने कर लिया है। 200 ग्राम इसमें जाएगा दही, 300 ग्राम के करीब है मेरी प्याज और ये लिए हैं मैंने 200 ग्राम के करीब टमाटर। बहुत ज़्यादा एक बड़ा है इसलिए वज़न में कंफ्यूज ना हो। और लिया है आधा नींबू, 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा और ये 3 बड़ी लाल मिर्च मोटी वाली ली है मैंने, 1 ली है बड़ी इलायची, 10 से 12 है काली मिर्चें, 1 लिया है जावित्री का फूल, 1 टुकड़ा लिया है जायफल का, 5 से 6 लौंगे हैं और ये 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 5 सफ़ेद इलायची है और 5 ही लौंगे और ये 3 तेज़पत्ता के पत्ते हैं। अब हम लेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें लेंगे हम 1 टेबल स्पून नमक पूरा भर के, 1 ही टेबल स्पून लेंगे हम लाल कुटी हुई मिर्च, ये काफ़ी तीखी होती है, तीखी वाली मैंने ली है, आप अगर फीकी लें तो 1.5 चम्मच लें, वरना नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं। और ये 1/2 चम्मच के करीब मैंने लिए हल्दी। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी काट लेंगे इस तरीके से प्याज। प्याज हमें रफली ही काट ली है, आपके पास इस तरीके का कटर हो तो आप इस तरीके से कटर से काट लीजिएगा, वरना तो इस तरीके से आप चाकू से भी काट सकती हैं। प्याज में ज़्यादा टेंशन न लें, मोटी पतली जैसी भी कटती जाए, बस तेज़ रफ्तार रखें। फिर हम काट लेंगे थोड़ी ही टमाटर भी इसी तरीके से, आप चाहें तो ये भी चाकू से काट सकती हैं, चाहें तो चॉप कर सकती हैं, बस ज़्यादा मोटा पीस प्याज का या टमाटर का ना रहे जो गले नहीं। इजी कुकिंग का मतलब ही मेरा ये होता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाए और बहुत कम टाइम में हो, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको इजी ही टिप्स बताती रहती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्याज और टमाटर में। दूसरी तरफ अब हम चढ़ा देंगे कढ़ाई चूल्हे पर और डाल देंगे उसमें तकरीबन 150 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल। ऑयल आप जो भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकती हैं और थोड़ा तेल कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो बस ज़्यादा तेज़ हमें गरम नहीं करना है और इसमें खड़े मसाले डाल देने हैं। ध्यान रहे ऑयल अगर आपने तेज़ कर रखा है तो पहले उसे हल्का कर लें, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। हल्की आंच पर हम ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे, तेज़पत्ता के पत्ते, धनिया, ज़ीरा और जो हमने बड़े खड़े मसाले लिए हैं वो भी। बहुत हल्की आंच पर हमें इन्हें थोड़ी देर भूनना है। अगर आपका ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया बिना जले तो यकीन मानिए आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और यही मसाला आपका थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो बस थोड़ी देर ही मैंने इसे भूनने के बाद डाल दी है प्याज, और प्याज भी हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूननी है, सिर्फ इतनी देर भूननी है कि ये सॉफ्ट हो जाए हल्की पिंक कलर की। इसे तकरीबन लगे हैं 3 से 4 मिनट बस। तो अब हम डालने शुरू कर देंगे चिकन के पीसेस, एक एक करके मैंने सारे ही चिकन के पीस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको चलाना शुरू कर रही हूँ। चिकन कढ़ाई में डालने के बाद आपको लगातार चलाते हुए तेज आंच पर पकाना है, ध्यान रहे आंच तेज रहे और बराबर ही आप इसको चलाती जाएं। और साथ में ऐड करें लाल मिर्च, जो 3 मिर्चें हमने आपको दिखाई थी वो आप मोटी मोटी काट कर इसमें डाल दें,
और ये जो पाउडर मसाले थे ये भी हम इसी वक्त इसे ऐड कर लेंगे इसमें। फौरन ही हम इसमें डाल देंगे नींबू, जो हमने आपको आधा नींबू दिखाया था। अगर आपका नींबू छोटा हो तो आप पूरा ही नींबू उसमें ऐड कर दें। मेरा नींबू जो था बहुत बड़ा था, इसी वजह से मैंने इसमें आधा ऐड करा। अब देखिए लगातार चलाते हुए तेज़ आंच पर हमें इसे सारे ही मसालों को भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पूरा चम्मच भरकर एक अदरक का पेस्ट और एक चम्मच ही लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसे थोड़ी देर इसे भूनते हुए पकाएंगे। इसको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब ये अच्छी तरीके से भून चुका है। इसी मेथड से आप चिकन स्टू पकाएंगे तो यकीन मानिए आपका चिकन स्टू बेहद लजीज बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। थोड़ी देर भूनने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चॉप किए हुए टमाटर और जो हमने दही रखा था वो भी हम इसी वक्त ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ये, बस हमें थोड़ा थोड़ा सामान ऐड करते जाना है और इसको ऐसी तरीके से तेज़ आंच पर भूनते हुए पकाते जाना है। तेज़ आंच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चिकन बहुत आसानी से गल जाता है और सारे मसालों को हमें पकाने में टाइम लगेगा। आंच थोड़ी तेज़ होगी तो ये बहुत जल्दी से भुन भी जाएंगे और पक भी जाएंगे और हमारा चिकन टूटेगा भी नहीं। ये अच्छी तरीके से मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, काफ़ी पानी ये छोड़ चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें इसे ढककर पकाना है। फिर हम देखते हैं इसे कुछ देर बाद, 3 से 4 मिनट के बाद। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसी तरीके से तेज़ आंच पर इसे पकाते हुए। देखिए चिकन ने और सारे ही टमाटर प्याज ने बहुत ज़्यादा पानी इसमें छोड़ दिया है, जो हमें बहुत जल्दी ही खुशक कर लेना है। तो फुल आंच पे हम पकाते हुए हम बहुत जल्दी जल्दी से खुशक कर रहे हैं और थोड़ी देर हम इस बीच में ढक्कन भी लगाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट और मैंने इसे ढककर पकाया है। अगर आपका चिकन गलता हुआ महसूस हो तो आप उसे ढककर नहीं पकाएं, इसे लगातार खोल कर ही इसका पानी खुशक कर लें। देखिए अब ये अच्छी तरीके से बहुत खुशक हो चुका है इसका पानी। अब हम इसे थोड़ी देर तेज़ आंच करके इसकी अब हमें भुनाई कर लेनी है। लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है तेज़ आंच पर। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी रेसिपी है ये और बहुत सिंपल भी है और वो आसानी फटाफट से तैयार हो भी जाती है। बस अब देखिए हम ये अच्छी तरीके से चिकन भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी, तकरीबन 100 ग्राम के करीब पानी। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी पसंद है तो आप इसमें सिर्फ 100 ग्राम ही पानी डालें और अगर आपको चाहिए थोड़ी शोरबे वाली सब्ज़ी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये कम पानी में ही इसका टेस्ट ज़्यादा खुलकर आता है। इस टाइम पर आप डाल सकती है होममेड गरम मसाला 1/3 चम्मच से भी कम, और अगर आपके पास नहीं है तो ये ऐड ना करें, ये ऑप्शनल है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ताकि इसकी खुशबू महक जाए और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है और बहुत टेस्टी ये बन चुका है। इसका देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, ये देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है ये
और सबसे मेन बात इसकी रेसिपी की यह है कि बहुत सिंपल बन जाती है और बहुत कम टाइम में बन जाती है। जब भी कभी मेहमान आपके घर आएँ तो आप ये ज़रूर बना कर खिलाएँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी। ये रेसिपी सबको पसंद आएगी, किसी ख़ास मौके का इंतज़ार ना करें। जब भी आपके पास टाइम हो आप इसको ज़रूर बनाएं। चलिए अब हम इसको आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। ये देखिए, ये हमने एक प्लेट में कर दी है और हम आपको वीडियो घुमाकर भी दिखा रहे हैं हर एंगल से कि कितनी टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हैं तो अपनी फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मैं ऐसी न्यू न्यू रेसिपी अपने चैनल पे लाती रहती हूँ, तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो अब मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।